भी लीजिएगा। और ऐसे हमारे महान पुरुष हैं जो कि हम लोगों के बीच में नहीं हैं और लिख के चले गए, सच्ची रामायण, सच्ची रामायण लिखे। बाबू ललई राम यादव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की छोटी अदालत है? नहीं, बहुत बड़ी। 1976 में ही फैसला मिल गया कि जितना वेद पुराण रामायण महाभारत है सब एक काल्पनिक कहानी है, असली में कोनो चीज नहीं बा। जो कि सच्ची रामायण लिखे, सच्ची बात लिखे और उनका लिखा हुआ किताब भी कोई नहीं छाप रहा था, तो अपने घर में ही छाप खाना खोल डाले, खेत क्यारी घर द्वार सब बेच डाले समाज के लिए कि अब से भी मेरा समाज पढ़े और जागरूक हो, इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, पखंडवाद दूर हटाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया पर्चवा दे दे। बहुत सुंदर आप लोग उधर से हमारे सूरज भैया की ओर से बिरहा सुनने को मिला। हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं थोड़ा सा मूड मिजाज बिरहा की ओर। इसके बाद आप लोग का देश जैसा होगा वैसा होता रहेगा, क्योंकि समाज है अपना, हम आपके हैं आप हमारे हैं। और हम कलाकार अगर अपने समाज में गाने बजाने का कुछ मौका मिलता है, क्योंकि कलाकार समाज का एक दर्पण होता है, तो चलते हैं बाबूजी हम आप लोगों को लेकर के अपने बिरहा की ओर। क्योंकि साथियों हमारे समाज में ये जानने की जरूरत है सच्चाई क्या है, इतिहास। इतिहास जब हम इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, तो जानना है। चलते हैं हम अपने इतिहास की ओर, जो कि 578 किला आज भी प्रमाण देता है खंडहर पड़ा है। क्या भारतवासियों मूल्यवासियों, अब से भी हम आपको जागना चाहिए, क्योंकि हम अभी सो रहे हैं, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। सब लोग संविधान लिख रहे थे बाबा साहब, उसमें जितने क्षत्रिय ब्राह्मण थे वो लोग कहते थे, करे बाबा साहब रात का समय है, सब सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। बाबा साहब यही बोले कि आपके समाज के लोग जाग गए हैं, इसलिए आप जाग रहे हैं, हमारे समाज के सॉरी हमारे समाज के लोग सो रहे हैं, इसलिए हम जाग रहे हैं जगाने के लिए, और आपके समाज के लोग तो जाग गए हैं इसलिए आप सो रहे हैं। तो जगाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। चार लाइन भूमिका का भाव है मास्टर, क्योंकि सच्चाई दवाई बहुत कड़ुआ होत लेकिन फायदा बहुत करत। चार लाइन भूमिका बा बहादुर कैसे। कैसे होती है होली दसवीं दिवाली, आजाद भारत देश 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग झंडा लहराने का काम करते हैं आजादी की खुशी में, लेकिन हमारा समाज आजाद नहीं है, सिर्फ कागज में देश कहने को आजाद है। धन्य है ये गरीबी, धन्य है मेरा समाज, सुख हो दुख हो, नमक हो रोटी हो झोपड़ी हो हवेली हो,
किसी तरह भी हमारा समाज गुजारत बा, आसरा लगी रही। भैया अखिलेश जी के कितना शिक्षक फांसी लगाई के मर गए बाबूजी। तो देखा आखिरकार में उसी आजादी के लिए तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम हमारे महान पुरुष, हमारी आपकी आजादी, आजादी आजादी आखिर आजादी के चक्कर में हम लोग खोज रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1952 को पहला वोट देने का हमें आपको अधिकार मिला। साथियों जानने की जरूरत है आखिर आजाद देश रहा तो आजादी कहाँ चली गई बाबूजी? भाई ब्राह्मणों के घर में चली गई। कैसे चली गई? हमारी आपकी गलती से। आजाद हम लोग थे, कब आजाद थे? 3500 बरिस पहले इस भारत देश, इस सोने की चिड़िया भारत देश में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म एक था, एक था, आजाद थे। लेकिन हमारे पुरुष इस भारत के राजा हुआ करते थे। व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, असली कृष्ण के तो पूजा ही नहीं करत है और नकली श्री कृष्ण के पूजा पाठ करत है, अपन भी आदर मानत है। जानने की जरूरत है, देवरिया के चंद्रभूषण यादव जी लिखे कि कृष्ण सूर्या असुर बाबूजी, और यादव पत्रिका में भी प्रमाण मिला है। जानने की जरूरत है, जानकारी होनी चाहिए हमारे समाज को। आखिरकार में आज जब आजाद थे तो हमारे आजाद देश को, हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, इस भारत देश को लूटने के लिए कितने लोग आए, कितने आक्रमणकारी आए। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हुड आए, शक आए, अंग्रेज आए, आर्य आए, मुगल आए, अंग्रेज अंग्रेज के गुलाम, ब्राह्मण ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। ए बाबू इतना ही नहीं, गौर करेंगे बिरहा के शुरुआत में इस आजादी देश में, आजाद देश में होत का बा गजल का भाव बा मास्टर कैसे। कोनो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहत बा का, अरे दिल लेके जा रहे हो, भैया लाल यादव, ये बदरा, अच्छा भैया राम यादव, ये बदरा के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार, कोट कोट नमन है, सादर चरण स्पर्श है, नमो बुद्धाय। इलाहाबाद के श्री रामवरण पहलवान महोदय जी की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार है, सादर चरण स्पर्श है, कोट कोट नमन है। यहाँ बदरा के धरती से बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार फूलचंद महोदय जी की ओर से, देखिए भाई आप तो हमारे सीनियर हैं, आप हमारे जड़ हैं, हम उस जड़ के टौनी हैं। बात उसमें रोज डीएपी यूरिया पोटास पानी डालिए। हाँ डालत है जा हमने, अब सूरज और हमने मिलकर डलते नहीं पानी, ताकि हरियर रहे टौनी, शाखा बढ़े, सुखा न पावे। हाँ Oh!
लड़का टेरी वाला बनल हुआ जा सुन के बोला रो रो मरेंगे हम बात ही मुरचावा खाता दारू पियेंगे हम। यही में तो हमार समाज भूलान बा है सुर सुरा सुंदरी में आ? तब का भैया ललका टोपी लगाई लेबा तब का भैया बुलावे लगवा अखिलेश भैया आवे फलाने भैया आवे अरे यार है पचासी झौगा भर और चुनाव आ जात बा तो बिक जात है पौआ भरे पर तो का कोपर राजपाठ मिले ऐसे चिल्लात रह ए भैया तो कवि जी भाव लिखे हैं क्या अरे यारियो ने मेरे देश को इस भारत देश सोने की चिड़िया को आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद राम लगन मगन अच्छा राम मगन उज्जवल डेरी आपकी तरफ से देखे 100 रुपया का पुरस्कार बा सादर चरण स्पर्श है नमो बुद्ध है आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया ये हम अपने घरे का कहानी खिस्सा ना बाबू जी आप लोग पढ़े लिखे हैं आखिर में कक्षा 6 के पाठ 4 में उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन सरकारी किताब में भी लिखा गया है इतना ही नहीं बाबूजी भाव है आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आर्य माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया आज बाबा साहब संविधान लिखे सब माने बराबर विधान माने नियम कानून तो संविधान के पहले एक मनु ब्राह्मण द्वारा मनुविधान मनुस्मृति बनाया गया उसमें कानून लिखा गया उसी के अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे और उसमें कानून क्या लिखा था कितनी बड़ी कानून था बाबू जी देखें लिखा बा उनमें कानून के नारी इतनी अन्हें नीच गंवार हैं किन मेहरारुन का काम हवे सिर्फ बच्चा पैदा करना और नौकरी करना और कौनो काम ना है वो कैसे हो हर हाल में चाहे जैसे कैसे पति से न पैदा हुई तो हाय देवरे से उनहु से न पैदा हुई तो जठौते से इनहु से न पैदा हुई तो सुरे से इनहु से न हुई तो ई सब पड़ोसी से इनहु सब से न हुई तो ई सब गांव वालन से मान ले इनहु सब से न हुई तो हमसे मिले अरे रे वाह ए बाबू इतनी बड़ी इतनी कड़ी सजा है ओ मनु ब्राह्मण ओ मनुस्मृति में लिखा कि नारियों का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना या और कोई काम नहीं है और रामचरितमानस में का लिखा गवाबा ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी ढोली के जितने पिटबा उतने ही सुघर बाजी और इस सुदरन के जितने ही मरबा उतने ही लोग ठीक से रही और मेहरारू के जितने ही पिटबा उतने इन्हें लाइन पे रही मनुस्मृति नहीं बा संविधान बा तुरंत सौ नंबर आई जाए भाई हम थोड़ा कहते तुलसिया दुबे चित्रकूट वाला कहता अच्छा ए भैया तो लिखे कि शूद्र कौन है आखिरकार में हम यादव हैं पटेल हैं बिंद हैं पाल हैं तो हम कहते हैं कि भैया नहीं हम छत्री हम बहुत बड़ है जात लेकिन हमारी आपकी क्या औकात थी मनुस्मृति में पढ़ लीजिएगा उसमें लिखा है कि दोहा सहित बताओ थे का लिखा बा श्लोक का लिखा बा शूद्रन का पहचान बताओ थे अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम
शूद्र कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीन को छुड़ा करके बकिया जितने पचासी मूल निवासी अहिर गडरिया चमार मुसहर पासी धोबी धिकार केवट माझी मल्ला जितने पचासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। और इन शूद्रों का काम है सिर्फ सेवा करना। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाह हम पंच पना हम, इस शूद्रन के सवेरे सवेरे बिने गुनाह का पांच जूता रोज मारे चाहे। वाह, सुबह सुबह नाश्ता के रूप में। अब बाबा साहब न पैदा भवा होते संविधान न लिखे होते तो समझ ले पांच जूता रोज मराता जा। बा पांच जूता तो हम मरा तू पांच जूता न हम मराते जन बैठ के मुस्कियात है। आज इस शरीर पर देख रहे हैं है कुर्ता धोती देखा था सूरजलाल जी की लहरात बा है ई संविधान का देन बा। और ना ही फटाहा वह जूता मिलत दूसरे को उतारा दूसरे को उतारा कपड़ा पहने के पड़त रहा। ए बाबूजी पंडित जी का अब उनकर घरे का बच्चा खुचा वह भोजन मिलत रहा। इतने ना आज नारी के शरीर पर वस्त्र अगर देख रहे हैं तो ये संविधान की देन है, अन्यथा मनुस्मृति में ये कानून नहीं लिखा था। उस समय अगर कोई औरत शूद्र की औरत अगर स्तन को ढाक करके अगर ब्राह्मण के सामने चली जाती थी तो उसको स्तन को काट लिया जाता था। स्तन बराबर बाबूजी सोना देना पड़ता था, उसको मूलाकरण कहा जाता था बाबूजी। इतना ही नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया, संविधान लिखे मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार और दारू पीने का अधिकार। आज हमें आपको मौलिक अधिकार मिला है साथियों। और तब सरो सरगम चाहे मीटिंग हो ले चाहे गा लें चाहे कुछ बोल लें बजा लें, और नहीं तो वो समय अगर बोलत सरोजवा न तो जी भैया काट लिया जात। और आप लोग बैठ के इसे सुनता ना वो समय वो कानून संविधान में लिखा रहा सुनता जा तो लोगन के कनवा में शीशा पिघला कर ठूस दिया जात। जिंदगी भरे के बहिर हो जाता जा। तो कवि जी भाव लिखे है कहानी है जहाँ से शुरुआत बा मास्टर कैसे आदिवासी आदि माने बहुत पुराना वासी माने रहने वाला। जब से ये पृथ्वी जल जंगल जमीन है तब से हम लोग यहाँ भारतवासी बसली मूल निवासी हैं। यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं अरिया ये बन देवताज सत्यनाशी हैं। चाहिए पूजा और पाठ। पूजा पाठ पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठ माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से इनके बारे में जानना चाहिए कि चोर हैं कि डकैत हैं कि गुंडा हैं कि उग्रवादी है कि छिनरा है, आखिर में पूजा योग्य है कि नहीं है। लेकिन हम आप इतने बड़े मूर्ख हैं जानते नहीं हैं लेकिन तुरंत अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। ए बाबू जिनको देवता कहते हैं इंद्र विष्णु ये कोई देवता भगवान नहीं है। ये लोग मध्य एशिया ईरान इराक से भेड़ बकरी चरावे के बहाने हमारे भारत के तहस नहस करे बदे हक हिस्सा अधिकार हमारा आपका लेने के लिए ये लोग चोर डकैत लुटेरे आए भारत में। जब आए इसे पूरे भारत में इंद्र सेना दल बल के साथ पूरे भारत में भ्रमण करता है। भ्रमण करते करते महानगरों को 90 जैसे
महानगरों को बाबूजी फूंक दिया इंद्र, इंद्र ने फूंक दिया इलाहाबाद जैसे हरियाणा दिल्ली बंबई कलकत्ता झूसी में झूसी को छोस दिया, झूसी नाम पड़ गया पुराना नाम प्रतिष्ठानपुरी। आखिर में बाबूजी संस्कृत में लिखा गया बाबा ऋग्वेद में तीसरे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है, जाय का पढ़ लिया का लिखा बा संस्कृत में, इंद्र अज्ञानी नमत पूरे दास पत्नी रघुतमा साकम एकम कर्मणा। एक मतलब कुछ पल्ले पड़ा। हाँ तू सबके मिर्जापुर से इलाहाबाद में आये हो गरिया वो बरियाल। एकर मतलब इंद्र अज्ञानी ने 90 नगर को फूका, 90 नगर के बीच में यहाँ के मूल निवासी शूद्र रघुतमा नाम की एक दासी थी, उस दासी को ये इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। देख ला इतिहास उठाए कि जितने आक्रमणकारी बाहर से आए इन्हें समझ ला मेहरारू लड़का लेके नहीं आई रहे, यहाँ सारे कुल रड़ुए ही आई रहे। ए बाबू आखिरकार में इतने ना ए भारत को बर्बाद करने के लिए कवि जी भाव लिखे हैं कि कौन आ रहा है। एक लाइन तरज बदल गए मास्टर, कौन तरज बा स्वभाव भारतवासी मूल निवासी, आज भी देखा सिधाई खून बाना हमरन के अंदर, देखा कितना सीधा साधा है। 65 वाली पिया के चाहे घर द्वार मेहराब ले क्या कुल लिखाई है। सांत प्रिय देशवासी, अरे बहुत है सतावेला बन देवी देवा पापी अगिया लगावेला, बन देवी देवा पापी। मूल निवासी भारतवासी लड़ाकू थे, लड़वैया थे, जो लड़ने के काबिल थे, जो डरते नहीं थे, जो लड़ते थे हमारे आपके पूर्वज डांट करके आए राणा प्रताप की तरह, घास की रोटी खा लूंगा लेकिन मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हराम ज्यादा उस जंगले में अपन जान बचाई के छिप के रह लागन, तो जंगले में भैया पेट भरे बदे जब नहीं मिले वह न खाई है, लीलगाय खाए, कछुआ खाए, मुर्गा खाए, बा मूस खाए, खरगोश खाए, सुअरा खाए। तो ये विदेशी इंद्र विष्णु इन्हें का कहा देखा देखा ये दैत है, ये असुर है, ये राक्षस है, ये बनमानुष है, ऐसे हमारे महान पुरुषों को संबोधित करते थे जो कि कृष्ण थे, जो कि लिखे कृष्णा सुर, कृष्णा सुर ऋग्वेद में लिखा गवा बा। और इतने ना महिषा सुर, ए बाबू इतना ही नहीं महासुर जिनका नाम बदल के महादेव रखा गया, ऐसे हमारे पूर्वजों को संबोधित करते थे कि जंगल में
यही किनारे के गंगा किनारे अपन रहे लागल, लेकिन हमारे समाज में जात तो रही नहीं उस समय, एक को जाते ही नहीं रही, नामो निशान नहीं रहा। लेकिन तब जे डराई गई ही में से ओके का करे नहीं बेईमान विदेश से, अरे भय से समर्पित जावल भैले देशवासिया। ए बाबू इतने ना भय माने डर जे डराई गए कि हे इंद्र विष्णु देवता तो है मानव कुल चीज ले ले, लेकिन हमें मार के भगाओ मत। ओके अपन बगले में प्रजा बनाई के रखें, जैसे कहें चल तो हमार जूता से आजू से तुई चमार है, चल तो पानी भर आजू से तुई कहार है, चल तो गैया भैंस पार आजू से तुई अहिर है, अहिर है तो का करी तोर काम इतने बा कि गाय भैंस तुई पाल सेवा तू कर घी दूध लिया हमें दे माठा तुन्हे पिया। आज हम माठे के चक्कर में पड़ा है। ए बाबू गर्मी आई जाए चौराहे पर तुरंत पहुंच जाही कि गिलास माठा मिल जाते पी ले तो पेटे में ठंड ही आ जाते। वह हमार समाज माठा पियत पियत ठंड ही के चक्कर में ठंडा के ठंड ही रही गए, कहियो गरमाबे नहीं भई। आज गरमान बेईमान केंद्र राज्य के सरकार बेईमानी से ले ले। अरे बाप रे बाप, तो और माठा पिए जा ठंडा नहीं रह। आजू से दूध पिए पांच मिनट नेटवर्क बताए घबरा जी। तो तुम्हारा काम यही है आजू से तू अहिर तू भेड़ बकरी पाल आजू से तू गड़ेरिया ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों को ओढ़ने के काम में आए। सर्वप्रथम जात थी नहीं बाबूजी, लेकिन हम लोगों को पहले फूट डालो राज करो 6743 जातियों में बांट दिया गया। एक जाति में वो सात जातियां जोड़ लीजिए, कितनी सात जातियां कितनी उपजातियां हुई कितनी जातियां हो जोड़ लीजिए 50,000। ए बाबू आज जो है हम लोग बटा के बटा है, इतना बट गवा है फिर से एक नहीं होते। यादव है तो यादव में शादी करी है, पटेल है तो पटेल में, पासी है तो पासी में, मल्लाह है तो मल्लाह में, धोबी है तो धोबी में। हम कुछ भैया भैया है भैया बात न हो हाथ जोड़े थे 10 मिनट और बताए ना सच्चाई दवाई बहुत कड़ुआ होता, हम बतावत ना रहली। ये घरे का चीज ना है, महान पुरुषन का अगर पेरियार रामास्वामी बाबू ललई राम यादव अगर चंद्रभूषण यादव और ज्योतिबा राव फूले अगर संविधान की बात ऐसे ऐसे आप महान पुरुषों की अगर बात वचन सुने हैं तो साथियों थोड़ा सा मानना चाहिए। इतना ही नहीं ए बाबू थोड़ा सा अगर पंडित जी के घरे से ब्याहे वाला कार्ड आए तो कार्ड में पढ़ लिया वो लोग कैसे शादी करते हैं, एक चैनल में बधे रहते हैं, गोत्र चेंज करके शादी करते हैं, गोत्र चेंज करके शादी करे से जब लड़का पैदा होता वो हाइब्रिड पैदा होता, वो कैसे शादी करी है, दुबे है तिवारी में तिवारी है, तपाड़े में पाड़े हैं, तो पध्या में पध्या है, तो मिसिर में मिसिर है, तो सुकुल में सुकुल है, तो ओझा में ओझा है, तो झा में। अबे दुबे के ही मराई लगे तो चौबे तिवारी पाठक उपधिया चौबे चतुर्वेदी सब रिश्तेदार दौड़ा जही बचाओ बदे। अभी एके अभी चमार मराई लगे या यादव भैया या कोनो जात मराई लगे तौर जने कही है रजत जाए दे तो मारे सरवा के का हमार ब्यादर का हमार जात है, हमारे आप में इतनी बड़ी अभी कमी है, इसीलिए हमारा आपका शासन सत्ता राजपाठ वापस नहीं मिल पा रहा है, लुट गया है। ए बाबू तो इतना ही नहीं आज हम लोग वही बटे के बटे रह गए हैं, इसलिए पहले सर्वप्रथम फूट डालो राज करो जात में बांट करके हम लोगों को कमर तोड़ दिए, कमजोर हो गए। और कमजोर क्या हो गए, थोड़ा सा बाबू ले लई राम यादव लिखते हैं कभी टेरी के भाव में मास्टर कैसे यही बाहर इतिहास के इलाहाबाद की धरती बरौत लमाही के बाबू दादा कैलाश गाय के चली गई लन बात तो हाँ गाय के चली कसना ही जाती अब ही जाई। अरे यार बिरहा गाय के जाई कहा अच्छा का गाय के गयन
टेरी के भाबा लहावत है। हाय मोरेरा होले बाबा जोगिया पंडित वेदन में लिखे। पंडित कोई जात नहीं होती, ज्ञानियों को कहा जाता है। पंवारा पंडित वेदन में लिखे बाबू ललई राम यादव, इसीलिए सच्चाई लिखे कि उसमें सिर्फ पंवारा लिखा गा बाबा। पंवारा आखिर वेद पुराण रामायण महाभारत ये सब जर्मनी जापान विदेश में नहीं बा, सर्वा आसमान से आई का टपक पड़ा भारत भरे में बा। वो चुंडी वालों के मकान पे बात तो हमके पता नहीं बा, एंटीना खींचे। अच्छा ए भैया पंवारा, इसीलिए बाबू ललरिया में यादव लिखे, सच्चाई लिखे कि जानिए पंवारा उसमें लिखा गया है वेदन में कि शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डलले से हो उद्यान ऋषि का बीर सरवा पत्ता पे बहत जात रहा राजा दशरथ का बहिन चंद्रकला चाट लिहिन तब सरवन पैदा हो गए। तू वीर नहीं मलाई रहा मलाई तपनो मेहरिया के चटाक देख पट्ठे दू चट्ठे पैदा करे तब सरो सरगम बनी है चाटे से पैदा करवा। हम थोड़ा कहत है तब कहे बदे ब्याह कैली है बाबू ललई राम यादव लिखे कि चाटने से कोई लड़का पैदा नहीं होगा, काने में डाले से थोड़ो पैदा हो। और तुलसी दुबे चित्रकूट के रहने वाले वो क्या लिखे रामचरित्र मानस में का लिखन भैया कौशल्या ककई सुमित्रा तीनों रानी श्रृंगी ऋषि निषाद के गुफा में बैठ कर खीर खाइन तब जाय का भर शत्रुधन राम यो लक्ष्मण पैदा भयन। खीरिया खैले से हो ये पढ़ा लिखा तो था नहीं लिखने वाला लेकिन दारू बड़ा जबर पी। लेकिन आज हमार समाज साइंस विज्ञान लेके शिक्षा के माने में सबसे पहले इलाहाबाद। आप लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, ये जनरल नॉलेज की बात है, जानने की बात है बाबू जी की जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाएगी अमाशय में जाएगी। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा। सोचे ही वाली बात बक्का मेहरारू बदल गई भाई ने भाई तुलसिया ससुरा ते ही बीसन जूता मारी तो के तब पूछी तो से। अरे यार हम खुद ही पूछी तो हम एक मेहरारू है कि का ही पंवारा लिख दी है ससुर छीके से के पैदा हो जाता के रगड़े से पैदा हो जाता मैली से गणिये पैदा हो गए। श्री रामचंद्र मूत दिहन तो रक्तासुर पैदा हो गए रमवा जस जस मूत रक्तासुर ससुरा तस तस बाढ़त जाए उन्होंने किताबी में लिखा बा। सोचे वाली बात बा बाबू जी, इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जरा तर्क करिए। हम नहीं कहते हैं कि बाबू ललई राम यादव का बात माना सरो सरगम का माना अम्बेडकर का माना प्रिया रामा स्वामी का माना केहू को बात माना मत माना। आप लोग महान है तनि तर्क कर। तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं
कि जो तर्क ना करे वो धर्मांध है, और जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने की साहस नहीं रखता वो दास है, वो गुलाम है। तो आप लोग तर्क करो, समझ में आवे तब बात माना, और ना समझ में आवे तो के एह काने सुने एह काने निकाल दा। पवारा पंडित वेदन में लिखे, 85 मूल निवासी भारतवासी फिरते मारा मारा, आज हमने लात खाते ओहर जाते ओहरुन मार खाते। ए भैया, तो कभी जी आगे भाव लिखे एक लाइन तर्ज लिखेन, और कौन तर्ज के लाइन बा? भोले भोले बाबा यादव, इसी गांव से बदरा ना, अच्छा बदरा, बदरा गांव से। ई 10 रुपया का पुरस्कार बा, सादर चरण स्पर्श बा, कोट कोट नंबर बा, का करब हमारे समाज के पास पैसे नहीं बा, कुल लुटाए गवा बा। जीएसटी लॉकडाउन के ससुरा कुल लूट ले, तब एक कॉलोनी प्रधान दे दे ही बनवाई लेब, तो दुआरी पर नेबुआ यो मरचा टांग देब। आए बताओ वो ईटवा पत्थरवा के ना नजर लागे, कुल तो लुटाए गवा बा, अब का बचा बा। आए अब भैया 2022 में चला गए, आगे के अब सोचा। आ तो कभी जी आगे भाव लिखे के लाइन तर्ज बा, तर्ज के लाइन बा। पपिहा बोलिया जरा लागे, पिया पपिहा के बोलिया, निवासी हम लोगों के पूर्वज शिव जी दी, जब देखें के नहीं विदेशी दौड़ाई दौड़ाई के हमारे पूर्वजन के मारत हैं भाई, खून खून के तरफ बहता है, पानी पानी के तरफ, ममता छछाई गल दौड़ के गईलन बचाओ बदे, तब इन्हे बेईमान गुस्सा आई गए इंद्र विष्णु कहीं के कर करियो वाक दिख, अब ये कैसे मरी मुआए बदे सोचत बटन का सोचे उलो, सिंधु मंथन से जवान निकला जहरा लोग विदेशी इंद्र विष्णु बहे के सिंधु मंथन भा, सिंधु मंथन में आधा आधा बंटवारा पर बात हो गई कि भैया इनमें से जौन कुछ निकली बाट बाट के लिया जाए आधा आधा। अब देखा तो होगा कैलेंडर में, कैलेंडर में देखा तो होगा सिंधु मंथन होत बा सर्प के पोछी ओरी कुल राक्षस हैं, और राक्षस के बा यहाँ का मूल निवासी हमार तोहार पूर्वज देखे होबा, बड़े बड़े दांत होए, बड़े बड़े सिंह होए, करिया करिया बड़े बड़े मोछ गठिली बाड़ी, उ राक्षस यहाँ का मूल निवासी कहाँ बायन सर्प के मोहे ओरी, और इन्हें गोरकी चमड़ी वाले विदेशी गोरकी वाले इस सब देवता इन्हें बेईमान इतना चलाक रहन कि सर्प के पोछी ओरी रहन, उन्हें जानत रहन कि सर्प तो है यही हो सरवा मालर रगड़त रगड़त गरमाबू करे, अगर काटे तो नहीं रचत हिन के काटे हमरन के न काट पावे। ए बाबू, तो बाबू ललैरा में यादव लिखते हैं कि कोई ये सिंधु मंथन मंथन नहीं हुआ है, यह लोग उस रात बैठ करके संगठन किए शिव को मारने के लिए। इतना ही नहीं, सच्ची रामायण में और क्या लिखे आगे भाव बा, कैसे
समाज के बतावा गवाबा कि गोकुला में इंद्र भगवान इतना पानी बरसाई दिहेन कि गैया भैया भैया ए भैया पांच मिनट अच्छा चैया भिजवा दिया कितना इंद्र पानी बरसाया गोकुला में कि गैया बछड़ू सब डूबई मरे लागन और कृष्ण जी जाय के गोवर्धन पर्वत कानी अंगुरी पर उठाएन तब गोकुला के लोग बचेन तब सुरक्षित भेन वहां के लोग। ए बाबू ये इंद्र पानी नहीं बरसाया, ये बेईमान है पानी बरसाएगा, इनके बस की बात है। वो छिनरा नंबर एक का पानी नहीं बरसाया गोकुला में इन विदेशियों का, यही इंद्र यही विष्णु यही ब्रह्मा इन विदेशियों का पूजा पाठ होता था, कृष्ण हम लोगों के देवता जा करके वहां पूजा पाठ सब बंद करा दिए। अरे गोकुला के लोग इन विदेशियों का पूजा पाठ बंद करो, जब बंद करा दिए कृष्ण तो जा करके ये विदेशी आक्रमण किए, कृष्ण से लड़ाई लड़े बाबूजी। इतना ही नहीं, कवि जी आगे भाव लिख दिए, अब का कैलन है, इसीलिए बाबू ललैरा में यादव कहते हैं कि सच्ची रमाण ये है। अभी समाज हमारा अंधविश्वास ही में बा कथा कथा सुनत है जब बड़ा गांठ जोड़ जोड़ के, कथा माने पढ़ा लिखा है माला हम चूतिया के है, जाए के हिंदी के शब्द कोश पढ़ ली है। कथा माने का लिखा बा काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाए के असली रुपया लें, हमारे तोहरे पैसा जुटाए के सबके सुतही दें। ई कहावे कथा नकली कथा सुनब असली रुपया देब अचरे से जाब गोड़ धरब, धन्य हो देवता गोड़ धरब। यहाँ सरजवा असली कथा सुनावत बा, एक रुपया दीह जाके आज के गोड़ धर जा, फरक बा है असली नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले हमारे तोरे पैसा जुटाए के सबके सुतही दे। अब हमरन मेहरारून के तो पंडित जी इतना डरवाई दे हैं कि फलनिया रे तो करवा चौथ व्रत न रहे तो तोर भतार मर जाए। इतना बिचारी हरे पूजा पाठ में लीन रही करवा चौथ के देखा था, जब चलनी में देखा थीन चलनी में देखी भतारे का जब मोह तब जान ल के व्रत टूटे उ चंद्रमा देख के। अब लड़का रोत रहे दूध पियावत रही बहनी हरे कहीं बाबू हा भैया हा मत रोआ आवा चंदा मामा दूध भात ली हे आवा, अब बाबू के मोहमा में डाल द घुटुर से वही चंदा मामा उबाय ना वही चंदा मामा मेहरारून को भता रहो हैं। सोचे वाली बात बा, ई देवता हैं विदेशी देवता। अरे जालंधर की पत्नी वृंदा का इज्जत जाय के मुर्गा बोला के जबरी मुर्गा बोलत बा, जाय के लूट लेहन इज्जत आ यही विष्णु। तो साथियों होलिका के साथ बलात्कार किए ये विष्णु, आधी रात 12 बजे जा कर के इज्जत लूटे, वही परंपरा बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, वही हम लोगों से त्योहार मनवाने का काम करते हैं। हम नहीं अम्बेडकर साहब लिखे हैं त्योहार तेव माने तुम्हारी हार माने पराजय। आए मूल निवासियों भारतवासियों, जब जब तुम्हारा हार हुआ है, जिस जिस दिन राजपाट शासन सत्ता छीन लिया गया है उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है, सोझे त्योहार। तथागत गौतम बुद्ध जी का ये धर्म ये बौद्ध धर्म स्वीकार किए सम्राट अशोक सम्राट जैसे। तथागत गौतम बुद्ध जी के बाहर बाबू ललैरा में आदो ऐसे कुल महान पुरुष बाबू जी अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किए और एक गुलामी के जंजीर से दूर हटे। हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर की तोड़ने की समान, इसलिए हमें अंधविश्वास से दूर रहना है साथियों। तो कवि जी आगे आप भाव लिखें, का लिखे मास्टर पंडित लगे गई
से लिया गया है, वर्ण व्यवस्था लिखी गई। चाहे धीरे धीरे 5 मिनट और भैया। लोहार कोहार सीपर चमार परजा पावन चपरासी वर्ण व्यवस्था लिखी गई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट से और शूद्र इन्हें तवन पैर से। ए बाबू, आखिरकार में कवि जी आगे बिरहा की लाइन लिखे है मास्टर, कैसे? बिरहा में भाव कितना सुंदर लिखिन। नजर लागल भैया मोरे देसावा पर, दूसरी चढ़ाई किया बने मुसलमान हो, नजर लागल भैया मोरे देशवा पर, हमरे सोने की चिड़िया भारत देश को तहस नहस कर डाले बेईमान आक्रमणकारी। नजर लग गई सब लूट लिए, दूसरी चढ़ाई मुसलमान बन के आए। जो मेरे भारत देश में 90% सुन्नी मुसलमान, जो सुन करके और औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया, वो सुन्नी मुसलमान हमारे आपके भाई हैं, हमारे आपके खून हैं, उनसे हमें आपको लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। वो भारत के सली मूल निवासी हैं। और जो 10% शिया मुसलमान हैं, वो मध्य एशिया ईरान इराक से आए हैं, जहाँ से ये आर्य ब्राह्मण आए हैं, उनका ब्लड उनसे मिलता है, लेकिन हमारा आपका ब्लड उनसे नहीं मिलता है। अब चुनाव आ जाए तो हमें तो है हिंदू मुसलमान कहकर लड़वाई दे ही, जा सरे तो नहीं अपसे में लड़ या मर। और जितना ये हिंदू का ठेकेदार हैं जे हिंदू मुसलमान कहकर लड़वावता, ये उनकर खुद दमाद कुल मुसलमान नहीं है। जैसे भैया मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंगल, मोहन भागवत, अडवाणी कुल का दमाद मुसलमान नहीं है, हमें तो है हिंदू मुसलमान कहकर लड़वाने का काम करते हैं। तो हमें आपको लड़ना नहीं चाहिए, वो मूल निवासी हैं, हम सभी लोगों को एक होना है, तभी राजपाट शासन सत्ता मिलेगा। क्योंकि सबसे बाबूजी मास्टर चाभी हम लोगों का है, मेरे समाज का, इस शूद्र का बाबूजी चाभी यही है। सबसे पहले जैसे बाबा साहब लिखे, शिक्षित बनो संगठित हो तब संघर्ष करो। बाबूजी शिक्षा ही हमारा ईश्वर है। तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं कैसे, अब लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग कौने कगार पर बैठ कर जोहत है। अभी बताए ना कितना भैया लोग पढ़े वाले न युवक कितना एकदम निराश हो गए, पढ़ाई छोड़ दी हैं, कितना तो मरी गए, आखिरकार में केकर इंतजार करते हैं। धन्य है भैया अखिलेश जी कहना माँ हम नहीं कहब कान से रामा मुलायम बाबू
तमाम नेता, तमाम पार्टियां जो हमारे महान पुरुष लगे हैं समाज के हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन मैं किसी का आलोचना नहीं कर रही हूं। भारतवासियों, मूलवासियों से कहना है, जाति पाति से ना कौनो हमरो दुश्मनी रे बाटे, न जात से न पात से हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, न गोली से न बंदूक से। सबसे बड़ा हम लोगों का हथियार है मतदान। मतदान जो मौलिक अधिकार दिए बाबा साहब संविधान में लिखे बाबूजी, इसलिए मान्यवर कांशीराम जी कह के चले गए कि मेरे समाज के लोग, बेटी और वोट किसी इज्जतदार को ही सौंपा जाता है। बाबूजी तो कभी जी आखिरी भाव में लिखे ना, अब 2022 में तो लूट के चला गन बेईमान, लेकिन अब आगे वाले में कैसे लूटे यही तनिका सतर्क हो जाई चोरन से, बाबूजी लुटेरन से पहचान नहन के बतावत है कैसे। अरे गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टीकावा, घूमे के बेईमान ले धर्म का ठिकवा, धर्म के ठिकेदार मंदिरन पर बैठ गवा हैं। भैया हर देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, देव 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 देवता हो गए हमारे, आपके पूर्वज दान दिए दान दिए दान दिए दानो हो गए। ए भैया, ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा, भिखारी राजा बन गया और राजा तो भिखारी बन गए। देखिए हम लोग राजा के वंशज हैं। वाह, देखिए सोने का मुकुट चमक रहा है, हीरा पन्ना मोती जवाहरात उसमें जड़ा है। विंध्याचल में चला जाब, चाहे ही मंदिर में चला जाए, चाहे विंध्याचल में हमरे चला जाब, दोनों प्राणी गांठ जोड़े रह, ठेली ठेला होत रहे। सोचब यार भीड़ी में दर्शन लगा तब माई के न मिले, तब जुगाड़ लहब धीरे से पंडा पुजारी ओरी, ये पंडा जी 500 ले लेते, 500 जब देव तो कैसे दर्शन दिए ही बाझरोखा से, और 1000 दे बताओ लगे से, और 2000 दे बताओ चरण छुई के, आशीर्वाद है आशीर्वाद। खुश रहो। ए भैया, दोनों प्राणी हाफत चलाए वो बहरे कहब, बड़ी भाग से पंडा जी, पंडित जी दर्शन मिली गवा, हमने धन्य हो गए दोनों प्राणीन के, अब आशीर्वाद द हमरे जाई घरे। पंडित जी दोनों प्राणीन का पीठ ठोकी ही, साबस जा सौभाग्यवती हो, चंदन हाथे में माथे पर लगई ही, और हथवा में एक ललका धागा बांधथिन, ललका धागा रक्षा बांधथिन, तो एक श्लोक पढ़थिन बांधत के समय, और वो संस्कृत में बा, वो विदेशी भाषा हो, कैसे पढ़थिन, ओ मेन बद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबल तेम त्वाम प्रति ध्वनि रक्ष माचल माचल। अरे पंडिताइन बा, तो के पंडिताइन समझ में आते? अरे यार इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो, कुछ पल्ले पड़ा नहीं। इस लोगों भाई कतबा के, ओ मेन बद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबल तेम त्वाम प्रति ध्वनि रक्ष माचल माचल, यानी जिस प्रकार से सोचे हमरे तोहरे मोहे पर कहत बान, लेकिन हमरे तोहरे समझम नहीं आवता नहीं। हम तो तू तो दोनों प्राणी गांठ जोड़े है गबड़ौरा नियर फुलत है कि यार राजा आशीर्वाद मिलता, सोझे मोहमय पर कहत में कहत है जा कि ओ मेन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबल तेन तो प्रतिध्वनि रचे माचल माचल। जिस प्रकार से तुम लोगों के मूल निवासियों बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे, राजपाट शासन सत्ता सब कुछ ले लिए, उसी प्रकार से तुम भी कसम खाओ, आओ अटल रूप से उसी बंधन में तुम्हें भी बांधता हूँ। वही जाए थे जा मंदिर में कसम खाए के आए थे के पंडित जी, कसम खाए के जाते मंदिर में कि हमारे पूर्वजन से तो ले ही लिया जा लात जूता मारी के कुल, लेकिन जवन कुछ बचा बा है
भले सरवा एक दाना खेते में ना पैदा होए, भले सुतही भी अजही ले भाई, लेकिन तो है हम खाए बिना मर जा पंडित जी, लेकिन मंदिर में कसम खाए के जात है कि हम तो है खाए बिना मरई न दे भाई। उ है हमार समाज, बरहीम बुलाए, तिरहीम बुलाए, खेत लिखवाए तब बुलाए, घर बनवाए तब बुलाए, लड़िका पैदा हो जाए दौड़ा जही नामकरण रखवा वही बदे। अरे यार जब नाम और रखे के शक्ति नाही बत को पर चाटे बदे पैदा कैले था 50 ठे मेहनत करत हुआ था। जब अपने पुरुषन का बात ही नहीं मानत है, न आवई के मुहूर्त न जाय के मुहूर्त, सरवा पाखंडे बिचमा में मुहूर्त ससुरा कहाँ से पैदा हो गवा। जब मुहूर्त दिखाई के ब्याहे का लगन लिखवो 501 रुपया दे कर, तब वो पथरा पानी आई जाता। लगन पड़ता 7 तारीख के ब्याह होता है 8 तारीख के, तब दुल्हा दुल्ही फरार हो जाते हैं। काहे भैया काहे मुहूर्त देख के लगन पड़ी बा न तो सही सही हो चाहे झगड़ा हो तो कहाँ जाब थाने पर थाना के बनायस संविधान और संविधान के बनायस बाबा साहब, तब कोपर चाटे मंदिर में जाते है। हमसे तो उनसे बढ़िया चलाग तो केवल पंडा पुजारी हो गए हैं कि मंदिर मस्जिद सब छोड़ जाते हैं सांसद भवन के तरफ। पंडन के पता हो गए बाबा के पथरा में कुछ शक्ति ना ही बा, कुछ दे ही, ना ले ही केवल दे ही ना। तब हम लोग मंदिर में जाते है भैया पूजा पाठ करत है देवता मानत है। अब पंडा पुजारी के पता बा कि पथरा हवे दान पेटी वाला, यही से पंडा पुजारी जब घरे जाए लगी सुतई जाए लगी अपने रूम में तो बड़का वाला दू चर किलो वाला ताला लटकाई देही। काहे बदे उनके पथरवा भगवान पे भरोसा ही नहीं बा कि पथरा है यही हवे, भगवान तो है नहीं, कोनो शक्ति तो बा नहीं, कोनो सरे यही लूट खाई के लेके चला जही, इसलिए ताला बंद कई के जाती। बदाऊ में मंदिर में ना बदाऊ में 40 साल की औरत के इज्जत वही मंदिर में लूट दिया गवा बाबूजी पंडा पुजारी द्वारा, और सरिया ओकरे गुप्तांग शरीर में कई के वो औरत को जान से मार दिया गवा। जब औरतिया के जान से मंदिरिया में मार दिया गवा तब मंदिरिया का हम सोचे थे भगवान कहाँ चला गया रहा। बात तो हमके ना पता भी ससुरा अपने बहनियौरे गारा खिचड़ी लेके। अरे यार भगवान हैं तो कुछ भला तो करे चाहे, हम लोग कितना मूर्ख है। कौन देवी देवता मांगत थी कि हेलुआ पूरी लिया हुआ हमें चढ़ावा, सोने का आँख लिया हुआ, सिकड़ी लिया हुआ, चांदी का मुकुट लिया हुआ, क्यों मांगत बा है हमें विश्वास होत बा ना बाबू। इसीलिए ओसो ने कितना विद्वान थे, ओसो ने कहा कि इसीलिए शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर वहीं जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम हैं बाबूजी। तो इसलिए घर भले मत बनवाया, लड़का का ब्याह भले मत कर, दारू गांजा छोड़ दी है भैया हर, मेहनत मजूरी कई का लड़कन के पढ़ाई जरूर दी है, यही सबसे रहा बिरहा का मूल मंत्र। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, अरे जो पीता है वो ग्रस्ता है। इसलिए तू मिर्जापुर से आए के लिए बाद में गर्जत हो, इसलिए शिक्षा जरूरी है बाबूजी। तो धन्य है बाहरे पेरिया रामास्वामी, बाहरे बाबू ले राम यादव, बाहरे ज्योतिवारा फूले, बाहरे ज्ञान की देवी जो सरस्वती को ज्ञान की देवी मानते हैं वो देवी नहीं है शिक्षिका, बाहरे महिलाओं को शिक्षा देने वाली बाहरे सावित्री बाई फूले जी, धन्य है माता। ऐसे ऐसे हम लोगों के समाज में देवी और देवता हुआ करते थे और हैं भी, धन्य हैं। अगर उन महान पुरुषों की बाणी अच्छी लगी हो तो उनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा के स्वागत कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विरह का लास्ट लाइन बा भैया हर, रामा 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 राम मोरे रामा, पवारा पंडित वेदन में लिखे, सरगम हो पंच सरो सरगम हो सरो सरगम, गावे
बड़े भैया अखिलेश यादव जी, धन्य है माता सावित्री बाई फूले की कारवा को आगे बढ़ाने का काम किए इन महिलाओं के लिए भैया अखिलेश जी। मेरे देश की लड़की